बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। पहली लिस्ट में 16 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों से कुल 195 उम्मीदवारों की घोषणा की गई है। इनमें यूपी से सबसे ज्यादा 51 उम्मीदवार घोषित किए गए हैं। इस लिस्ट में पश्चिम बंगाल की 20, मध्य प्रदेश की 24 और गुजरात राजस्थान की 15-15 सीटें शामिल हैं। केंद्र शासित प्रदेशों अंडमान और दमन द्वीप की एक एक सीट पर उम्मीदवारों का ऐलान किया गया है। बीजेपी की पहली लिस्ट में 34 केंद्रीय मंत्री, 28 महिलाएं, 17 SC, 18 ST, 57 OBC उम्मीदवारों के साथ 50 साल से कम उम्र के 47 उम्मीदवार शामिल हैं। पीएम मोदी वाराणसी और अमित शाह गांधीनगर से चुनाव लड़ेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लखनऊ और स्मृति ईरानी अमेठी से चुनाव लड़ेंगी। वहीं किरण रिजिजू को अरुणाचल वेस्ट और ज्योतिरादित्य सिंधिया को गुना से उम्मीदवार बनाया गया है। लोकसभा स्पीकर ओम बिड़ला कोटा से चुनाव लड़ेंगे। पहली लिस्ट में पार्टी ने 3 पूर्व CM को टिकट दिया है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को विदिशा, त्रिपुरा के पूर्व CM विप्लव कुमार देव को त्रिपुरा वेस्ट और असम के पूर्व CM सर्बानंद सोनोवाल को डिब्रूगढ़ से उम्मीदवार बनाया गया है। वहीं पूर्व बीजेपी नेता सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज को नई दिल्ली सीट से टिकट मिला है। पार्टी ने सिर्फ एक मुस्लिम उम्मीदवार डॉक्टर अब्दुल सलाम को केरल के मल्लपुरम से प्रत्याशी बनाया है। सेलिब्रिटी उम्मीदवारों की बात करें तो हेमा मालिनी को मथुरा, मनोज तिवारी को उत्तर पूर्वी दिल्ली, रवि किशन को गोरखपुर और दिनेश लाल यादव निरहुआ को आजमगढ़ से उम्मीदवार बनाया गया है। चुनाव आयोग 13 मार्च को आम चुनावों की घोषणा कर सकता है। लोकसभा में कुल 543 सीटें हैं, जिनमें से फिलहाल बीजेपी के पास 290, कांग्रेस के पास 48, DMK 24, TMC 22, YRS कांग्रेस 22, शिवसेना 19, BJD 12, बसपा 10 और JDU के पास 16 सीटें हैं। अन्य 60 सीटें NCP, CPIM समेत कई क्षेत्रीय दलों के पास है। ब्यूरो रिपोर्ट, दैनिक भास्कर।